हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में आप सभी को एलसीएम और एससीएफ निकालना सिखाया जाएगा, जिसमें देखिए आपको एलसीएम ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा, एससीएफ जो है आपका भाग विधि तथा गुणनखंड विधि दोनों तरीके से आपको बताया जाएगा। यहाँ पर एलसीएम आपको ट्रिक से इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आपको ये तरीका नहीं अपनाने की आवश्यकता होती है, तो भी आप लोग इस तरह से करते हो जो बेसिक है, इसको भी बताएंगे, चिंता ना करिए। ट्रिक अगर आप सीख लेंगे तो आपका बहुत सवाल जो है थोड़ा फास्ट सॉल्व होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला प्रश्न है, 4 और 8 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम यानी वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो इन दोनों क्या उसको क्या करें विभाजित कर दें, वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जी जिसको 4 और 8 क्या विभाजित कर दें यानी उसे काट दे। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए 4 और 8 में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या खोजना है। तो 4 और 8 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है। तो 4 जो है देखिए 4 जो है वो 8 को कितना 2 बार में काट देगा यानी काट दे रहा है, और 8 जो है 8 को कितनी बार में 1 बार में काट दे रहा है। तो जब 8 जो है 4 और 8 से कट जा रहा है तो जो बड़ी संख्या होगी वही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। इसका एलसीएम कितना निकल कर आएगा, 8 आएगा, ये इसका उत्तर होगा। अब जरा बेसिक तरीका सीख लीजिएगा, 4 है 8 है, इसको आप इस तरह से करेंगे, सबसे छोटी संख्या से 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 एक के 2 होगा, 2 दूना कितना होगा, 4 होगा। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 एक के 2 होगा। यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ इसकी ज़रूरत होती है तो इसका आपस में गुणा किया जाता है, 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 × 2 × 2 किया जाएगा। जब आप गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना होगा, 8 होगा। ये आपका क्या था, बेसिक तरीका था, आपको हर एक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है, इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं, इनका आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ये काफ़ी कठिन भी होता है, ऐसा मत सोचिए, ये तो छोटी छोटी संख्याएं हैं, सम संख्याएं जिनको आप आसानी से काट ले रहे हो, कोई ऐसी संख्याएं जो विषम संख्याएं जो किसी से नहीं कटती हैं आपको समस्या खड़ी कर देगी, इसका एलसीएम क्या होगा तो वो भी आपको बताएंगे, सारे प्रश्न आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए 3 है 6 है 9 है, 3, 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या बताओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ी संख्या खोजना है, बड़ी संख्या क्या है, 9 है, तो 3 जो है वो 9 को काट देगी, सबसे बड़ी संख्या पहले खोजना है। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो 3 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या लिख लीजिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए 3 जो है 9 को काट देगा, 3 त्रिक्का 9, 3 बार में काट देगा, तो काम सही है। अब देखिए 6 जो है 9 को काट देगा, 6 जो है 9 को नहीं काट पाएगा। अब देखिए 9 जो है 9 को क्या कर दे रहा है, काट दे रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई भी संख्या नहीं काट पा रही है तब आपको क्या करना है, जरा दिमाग लगाइएगा, 9 है तो 9 का 2 गुना कितना होगा, 18 होगा। टेबल पर लीजिएगा, 9 के 9 होता है, 9 दूना 18 होता है, 9 त्रिक 27। अब 18 को देखिए 3 भी काट देगा और 6 भी काट देगा और 9 भी काट देगा, तो 3, 6, 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या होगा, 18 होगा। इस तरह से आप फटाक से क्या करेंगे, दिमाग लाएंगे और आपका आंसर मिनटों में आ जाएगा। अगर आप बेसिक इसका सीखना चाहें उसको भी बता देते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में थोड़ा समय लगता है, तो आप समय देंगे तो ही मजा आएगा। 3, 6 लिखिए, फिर 9 लिखिए। अब इस तरह से खड़ी पाई खींचते हैं, 3 से अगर इसे 2 से कट रहा है तो 2 से काटिए, 3 लिखेंगे, जो चीज़ 2 से ना कटे वो सेम उसी तरह से लिखते हैं, तो 2 3 6 होगा, फिर 9 इसको लिख लेंगे। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 1 के 3 होगा, फिर 3 1 के 3 होगा, 3 3 9 होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 1 1 आया है, यहाँ पर 3 बचा है, तो 3 से हम काटेंगे, 1 1 है तो इसको उसी तरह से लिखेंगे, 3 1 के 3 होगा। इनका आपस में गुणा कर लीजिएगा, 2 3 6, 36 कितना हो जाएगा, 18। तो आपका एलसीएम कितना निकल कर आया है, 18। वही चीज़ देखिए वहाँ पर भी आया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है, इसमें 4 संख्याएँ लिखी हुई हैं, इनका एलसीएम आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, 75 यानी 75 है। अब देखिए 5 जो है वो 75 को काट देगा, 15 5 75 यानी 5 जो है 15 बार में काट देगा, अब 15 भी 75 को काट देगा 5 बार में, अब 50 जो है ये 75 को नहीं काट पाएगा। जब 75 को 50 नहीं काट पाएगा तो 75 का 2 गुना कर लीजिएगा, 75 का 2 गुना कितना होता है, 2 5 10 होता है, हाँ से लेकर 2 7 14 15 150 होता है। अब देखिए 5 जो है 150 को काट देगा,
15 जो है 150 को काट देगा। विभाजिता का नियम पढ़ लीजिएगा, अगर इकाई का अंक शून्य है और 5 है वह संख्या 5 से कट जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 15 से यह भी कट जाएगा, अब 50 से 150 कटेगा कि नहीं, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, 150 को 50 से काटना है तो आराम से कट जाएगा, 5 × 15 आराम से 3 बार में कट जाएगा। अब देखिए 75 से 150 कटेगा, 75 का जब आपने डबल किया है तो वो जाहिर सी बात है 75 से 150 कट जाएगा। तो यहाँ पर 150 को जो है ये तीनों क्या आसानी से काट दे रहे हैं, तो 150 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करोगे, इतना टाइम आपको लगाओगे 5, 15, 50 और 75 लिखोगे, अब आप इस तरह से एक एक करके इनको काटोगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या लगता है, टाइम लगता है। अब इन प्रश्नों को जरा ध्यान से सीखिएगा, काफ़ी बेहतरीन टाइप के प्रश्न हैं ये प्रश्न, देखिए क्या होंगे आपको फंसा देंगे। अधिकतर ये प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जब आपको सामने आ जाते हैं तब तो आप नहीं कर पाते, तो इसका भी क्या है तरीका है जरा सीखिएगा। ये देखिए 2, 6, 8 है, इसे आप घर पर सॉल्व कर सकते हैं या मुझबानी सॉल्व करके अभी कमेंट में इसका उत्तर बता सकते हैं। ये देखिए 3 है, 7 और 10 है, इसमें देखिए आपको क्या करना है, अभी तक जितना आपने यहाँ पर पढ़ा था यहाँ पर देखिए ऐसी संख्याएं थी, अगर आप किसी भी संख्या से भाग देंगे तो ये संख्या क्या होती है, कट जाती थी। लेकिन अब आपको क्या ऐसी संख्याएं देखने को मिल रही हैं, अगर आप किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो नहीं कटेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 7 है और क्या है 3 है, ये क्या 7 जो है या तो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। अब यहाँ पर देखिए 3 और 7 ये 10, ये एक टाइप का प्रश्न बनता है। अब यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्न जब आपके सामने आएंगे तब आप क्या करिएगा, जो आपका बेसिक वाला तरीका है उसको प्रयोग करिएगा। अगर मान लीजिए ये 10 की जगह पर थोड़ी छोटी संख्या होती तब आप उसका प्रयोग कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर ये 10 है, ये 3 से नहीं कटेगा ना ही 7 से कटेगा, तो मैं क्या बताया था 10 का दोगुना करना है 20 जो है 20 3 और 7 नहीं काट पाएगा, 70 करेंगे तो भी नहीं कटेगा, अगर 80 करेंगे तो भी नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा जानते हैं। इस तरह से आप बेसिक तरीका अपनाइएगा, इसीलिए मैं आपको हर एक टाइप का प्रश्न करा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ सके कौन से प्रश्न किस तरह से क्या सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे 3 है और 7 उसी तरह से रहेगा, 2 × 5 = 10, अब 3 से काटेंगे 3 × 1 = 3, 7 और 5 उसी तरह से रहेगा, अब हम 5 से काटते हैं 7 और 5 = 5 हो जाएगा, अब 7 से कट जाएगा। अब इनका गुणा कर लीजिएगा 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, 30 में गुणा 7 करेंगे कितना आ जाएगा 7 × 3 = 210 हो जाएगा। 210 ऐसी संख्या है अगर हम 3 से काटेंगे तो भी कट जाएगा, 7 से काटेंगे तो भी कट जाएगा, 10 से काटेंगे तो भी कट जाएगा, जिसका एलसीएम कितना निकाल कर आया है 210। अब दूसरी चीज़ सीखिएगा, अगर आपको ऐसा प्रश्न सामने आ जाए कि इनका आपको एलसीएम निकालना है तो जिसमें देखिए ऐसी संख्याएं हो जी अगर किसी भी संख्या से आप भाग दो तो वो कटे ही ना, जैसे 11 है 13 है 17 है, अगर आप इसमें किसी भी संख्या से भाग देना चाहोगे तो नहीं कटेंगे, ये अगर एक और खुद को छोड़ के ये किसी से नहीं कटेगी, तब आपको क्या करना है, बेसिक तरीका नहीं अपनाना है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट 11 × 13 × 17 करना है, जितना आएगा वही आपका क्या होगा एलसीएम होगा। तो इनका गुणा आप कर लीजिएगा, जितना आएगा वही इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलसीएफ निकालना सीखेंगे गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से, काफ़ी बेहतरीन टाइप का ये सवाल बनता है जिसमें मैं आपको हर एक टाइप के सवाल बताऊंगा, तो ध्यान से सीखेगा। सबसे पहले मैं गुणनखंड विधि से एलसीएफ निकालना बताता हूँ, फिर इसके बाद भाग विधि से। तो यहाँ पर देखिए 4 और 8 है, इसका अगर आपको गुणनखंड विधि से एलसीएफ निकालना है तो 4 का गुणनखंड क्या होगा 2 × कितना होगा 2 होगा, और 8 का गुणनखंड कितना होगा 2 × 2 × कितना होगा 2 होगा। अब देखिए 4 का गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, 8 का कैसे, इस तरह से आप 4 लिखिएगा, इसमें आप 2 से भाग देंगे 2 × 2 = 4, 2 × 1 = कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार है 2 बार, तो यहाँ पर मैंने 2 बार लिखा है। उसी तरह से 8 को क्या करना है, छोटी संख्या से भाग देना है 2 × 4 = 8, फिर 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा। 2 3 बार है तो 2 × 3 = 3 बार लिखा है, इस तरह से क्या निकाला जाता है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें आपको अगर जो दोनों में हो वो क्या होंगी कॉमन होंगी, जो संख्या दोनों में मिलेगी वो कॉमन होगी, बस उसी चीज को आपको क्या खोजना है। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, तो 2 क्या हो जाएगा इस तरह से कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी है, तो 2 इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा कॉमन मिल जाएगा। अब यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो आपको उसको छोड़ देना है, तो जो कॉमन मिला है उसको लिख लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन मिला है तो 2 लिखिए, फिर गुणे का चिन्ह बनाइए, यहाँ से 2 मिला है तो 2 लिखिए। अब इनका आपस में गुणा करेंगे 2 × 2 = कितना आएगा 4 आएगा,
तो आपका एचसीएफ कितना निकल कर आया है, 4/8 का एचसीएफ कितना निकल कर आया है, 4 आया है, ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। अब इसी चीज को अभी मैं भाग विधि से भी बताता हूँ, पहले आप गुणनखंड विधि से सीखिएगा। हम यहाँ पर देखिए 15 है, 50 है, 75 है, इसका अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले आप 15 लिखिएगा, फिर 50 लिख लीजिएगा, फिर 75 लिख लीजिएगा। अब 15 का गुणनखंड आप निकाल सकते हैं, अगर निकालेंगे तो 3 × 5 आएगा, 3×5 15 हो जाएगा। अब 50 का क्या होगा, 5×5, अब 5×5 25, 25×5 कितना हो जाएगा, 25×5 कितना हो जाएगा, 25×5 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ध्यान से निकालिएगा, 25×2 कितना होता है, 50 होता है, तो 2×5×5 लिख सकते हैं, 2×5 10, 10×5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसी तरह से 75 का निकालना सीखें तो अगर आप 5×5 25 25, अब यहाँ पर देखिए कैसे निकलेगा, 5×5 करते हैं, 5×3 करते हैं, सॉरी 3×5, 3×5 15, 15×5 कितना हो जाएगा, 75। तो ये देखिए मैंने अपने माइंड से तो कर लिया, अब जितने बच्चों को नहीं आता है उनको ध्यान से सीखिएगा। जैसे 50 का है तो 50 का आप इस तरह से निकालिएगा, कितनी बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 25×2 कितना होता है, 50, अब 5 से काटेंगे, 5×5 25 हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5×1 5, तो 2×5×5 है, तो 2×5×5 हमने लिखा। उसी तरह से 75 का निकाल सकते हैं, डायरेक्ट 5 से कटेगा, 15×5 75, अब इसे आप काट सकते हैं, 5×3 15, अब फिर 3×1 कितना हो जाएगा, 3, यानी 3×5×5 वही मैंने लिखा है, 3×5×5। इस तरह से आप इनका क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। अब आपको जो तीनों में कॉमन हो उसी को बस लेना है, तो तीनों में कॉमन आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, तो इसको छोड़ देना है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 5 है, तो यही सिर्फ आपका क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, तो कॉमन उसको नहीं लेंगे, जो तीनों में होगा वही कॉमन होगा। तो इन तीनों का यह सीएफ कितना निकल कर आया है, जो कॉमन है सिर्फ 5 आया है, तो 5 इस तरह से इसका क्या होगा, यह सीएफ हो जाएगा, यानी मासा। तो इतने बड़े बड़े सवालों को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसी चीज को भाग विधि से बताता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा अभी, और हमारे ख्याल से आपको सवाल अभी मैं कराऊंगा। चलिए अब इसी चीज को मैं भाग विधि से बताता हूँ। यहाँ पर देखिए 4 है और 8 है, इसमें बड़ी संख्या क्या है, 8 है, तो 8 को पहले लिखिए। अब इसमें क्या करना है आपको, 4 से भाग देना है, 4×2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 में से 8 घटाएंगे 0 आएगा। अब जिस भी संख्या से भाग देने पर 0 आ जाए वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा, यानी मासा होगा। तो जब हमने 4 से भाग दिया तो 0 आया, यही 4 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या है, 15 है, 50 है, क्या है, 75 है। तो सबसे पहले आपको क्या, दो संख्याओं को देखना है, 15 और 50, 15 और 50 में बड़ी संख्या क्या है, 50 है। अब आपको क्या, इसमें छोटी संख्या जो 15 है उससे भाग देना है, कितनी बार में जाएगा, 15×5 75 हो जाएगा, 15×4 60 हो जाएगा, 15×3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 50 में से 45 घटाओगे कितना आएगा आपका, 5 आएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने घटाया, 0 नहीं आया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भाग भी नहीं जाएगा, अब आपको क्या करना है, इस तरह से फिर से भाग का चिन्ह बनाना है। ये जो 75 लिखा हुआ है इसको यहाँ पर उतार लेना है इस तरह से। अब आप इसमें भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा, 15, अगर आप ले जाएंगे 15 बार में जाएगा, 15×3 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अगर आप एक बार में लेके जाएं तो भी ले जा सकते हैं। जैसे देखिए इस सवाल लगाने का तरीका थोड़ा गलत हो जाएगा, 5×1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 में से 5 गया कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5 उतारेंगे। अब देखिए भाग इसमें एक संख्या में नहीं जाएगा, तो हम 25 को काटेंगे, 5×5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसको लगाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। हमने जब 5 से भाग दिया तभी यहाँ पर 0 आया, तो इन तीनों का एचसीएफ 15×50×75 का कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर इसका एचसीएफ कितना निकल कर आया है, 5 आया है, यही आपका इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो ये तरीका होता है भाग देने का सही। अब देखिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, कुछ प्रश्न और हैं, 2 है, 8 है, 16 है, 10 है, यहाँ पर 4 अंक लिखे हुए हैं, इनका एचसीएफ आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, 2 और 8 में देखिए भाग दीजिएगा, 8 में हम 2 से भाग देंगे, 2×4 कितना होगा, 8 होगा, 8 में से 8 घटाएंगे 0 हो गया। अब आपको क्या करना है, जब 0 आ गया तो यहाँ पर इसको इसी तरह से क्या करना है, छोड़ देना है। अब ध्यान से समझिएगा, हमने 2 से जब भाग दिया तो ही यहाँ पर क्या आया था, 0 आया था। अब यहाँ पर आपका 16 बच रहा है, तो 16 इस तरह से लिखिएगा, जिससे हमने भाग दिया 0 आया उसी संख्या को अब इससे भाग देना है, यानी 2 से, 2×8 कितना होता है आपका, 16 होता है,
फिर से हमारा क्या आया, जीरो आया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने दो से भाग दिया तब यहाँ पर जीरो आया था, अब यहाँ पर आपका 10 बच रहा है तो 10 को उतार लीजिएगा। 10 से क्या करिए, 2 से भाग दीजिए, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। तो हमने क्या किया, 2 से भाग दिया तो यहाँ पर फिर से जीरो आया। अब आपका आगे कोई भी संख्या नहीं है तो इसका एचसीएफ कितना निकल कर आया है, इसका एचसीएफ निकल कर 2 आया है, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब इसी चीज को अगर गुणनखंड विधि से करना चाहें तो आप कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर गुणनखंड विधि से करना चाहें तो इस तरह से 2 लिखिएगा, 8 लिखिएगा, 16 लिखिएगा, 10 लिखिएगा। 2 का गुणनखंड 1 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 8 का लिखना चाहें तो कितना आएगा, 2 × 2 × कितना 2 होगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 होगा। 16 का लिखना चाहें तो 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 × 2 = कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 10 का लिखना चाहें तो 2 × 2 कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 है, इनमें 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, तो उसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 सभी में मिल जाएगा, जो चारों में होगा वही कॉमन होगा। तो यहाँ से इस तरह से हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, यही सिर्फ 2 ही क्या, इन सभी में मिलेगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ। इसका एचसीएफ कितना निकल कर आया है, 2। इस तरह से आप काफ़ी बेहतरीन तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख गए, या भाग विधि से भी, गुणनखंड विधि से भी। एलसीएम का आपने ट्रिक भी सीख लिया, बेसिक तरीका भी सीख लिया, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू। वीडियो देखिए, मैं सारनाथ घूमने गया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ब्लॉग आप देख सकते हैं। थैंक यू।